आज देश में बजट पेश हुआ जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है कि आखिर इसमें क्या क्या खास है, इस बजट में लोगों को क्या मिला और सरकार ने लोगों के लिए क्या तोहफा दिया। तो वहीं इस बजट में हीरे की लैब पर भी चर्चा हो रही है। आइए बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो लैब में बनने वाले हीरों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए IIT को ग्रांट देंगे, क्योंकि प्राकृतिक हीरों के बाद लैब में बनने वाले हीरों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इनके लिए क्या किया जा रहा है, आइए जानते हैं खबर में। सबसे पहले आपको बता दें कि हीरों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अब मैन्युफैक्चरिंग लैब बनाए जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक हीरों के बाद लैब के हीरों का बाजार ही सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अब इन लैब्स को बनाने में तकनीकी मदद ली जाएगी, इसलिए वित्त मंत्री ने IIT को ग्रांट देने की बात कही, क्योंकि IIT से बेहतर लैब बनाने वाली संस्था देश में और कोई नहीं। हीरा व्यापारियों ने वित्त मंत्री से अपील की थी कि लैब में बनने वाले हीरों को बनाने के लिए जो उपकरण, जो मशीनें लगती हैं, उनकी इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए या फिर खत्म किया जाए। आखिर IIT स्वदेशी लैब बनाएगा तो उससे इस क्षेत्र को बहुत फायदा होगा, बाहर से मशीनें नहीं खरीदनी पड़ेगी। जाहिर है कि प्राकृतिक हीरे तो बेशकीमती होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, इनकी कीमत आसमान को छूती है। हीरा एक खनिज है जो जमीन के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। हीरा तो शुद्ध रूप से कार्बनिक है, अगर आप जलाते हैं तो अंत में आपको राख भी नहीं मिलेगी, ये केवल कार्बन में बदल जाएगा। जमीन के अंदर भयानक दबाव और तापमान में जब कार्बन के कण मिलते हैं तब प्राकृतिक हीरे बनते हैं। अब आपको बताते हैं कि लैब में हीरे कैसे बनते हैं। इनको लैब ग्रोन डायमंड्स कहते हैं, इन्हें आर्टिफिशियल हीरा भी कहा जाता है। देखने में ये एकदम असली हीरा जैसा लगता है, जैसे हम लोग किसी चीनी के डब्बे में चीनी को ठूंस ठूंस कर भरते हैं, वैसे ही जब कार्बन के कई अणु ठूंस ठूंस कर जोड़े जाते हैं तो हीरा बन जाता है। इन्हें बनाने के लिए लैब में उच्च तापमान और दबाव पैदा किया जाता है जिसकी मदद से ये हीरा बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे उत्तकों से भी बन सकता है हीरा। जी हाँ, जैसे कोयला हीरे में बदल जाता है या फिर उसको बदल दिया जाता है, ठीक वैसे ही हम इंसानों या फिर जीवों के उत्तकों यानी टिश्यूज से भी हीरा बन सकता है, क्योंकि दुनिया के सभी जीव कार्बन से बने हैं। ये हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अगर मरे हुए जीवों के शरीर से कार्बन जमा करके उन्हें लैब में लाकर उच्च तापमान और दबाव में रखा जाए तो इससे हीरा बनाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि हीरे कितने रंग के होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हीरा केवल सफ़ेद रंग का होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अपनी अशुद्धियों के कारण इसका शेड नीला, लाल, संतरा, पीला, हरा या फिर काला होता है। और ये भी बताया जाता है कि हरा हीरा सबसे दुर्लभ है। हीरे को यदि ओवन में रखकर 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, फिर इसमें राख भी नहीं बचती, जिससे पता चलता है कि हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। और अब सरकार इन हीरों के कारोबार यानी लैब में बनने वाले हीरों के निर्माण को लेकर ज्यादा जोर देने वाली है, ताकि धीरे धीरे इनका बाजार और तेजी पकड़े। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।